हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.5। इससे पहले हमने उसके बेसिक्स पढ़ लिए हैं, एग्जांपल समझ लिए हैं, सारे एग्जांपल हमने किए हैं। कोई बच्चे ने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, उसमें जाके चेक कर लो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इससे पहले कुछ बातें लिखी हुई वो समझ लेते हैं, क्या लिखी हुई है, इसने क्या कहा है कि नीड ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, की इक्वेशंस के सिस्टम में डिटरमाइन करो कि ये जो सिस्टम है ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है, नो सॉल्यूशन रखता है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखता है। मतलब ये लाइन पैरेलल लाइन बनने वाली है, इंटरसेक्टिंग बनने वाली है या कोइंसिडेंट लाइन बनने वाली है, चेक करना है। उसके लिए हमें एक रेशियो पता है, उस रेशियो की हेल्प से तुम चेक कर लोगे। फिर इसने कहा अगर कोई क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन आता है तो वो फाइंड आउट करो। चलो सही बात है। तो सबसे पहले थोड़ा सा डीपली समझाता हूं कि इस वाली इक्वेशन को तुम देखोगे और इस वाली इक्वेशन को, तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि C1 C2 इक्वल के उधर होने चाहिए, बाकी सारे इधर, या फिर सारे इधर उधर जीरो होना चाहिए। तो इसमें देखा है C1 C2 इधर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने A1 देखा दैट इज 1, B1 देखा दैट इज -3 एंड C1 देखा इज 3। अब जिसको ये नहीं देखने आते भगवान उसका भला करे, और एक बार है ना प्लेलिस्ट जाके बेसिक वाला देख ले। फिर तुमने देखा A2 दैट इज 3 एंड B2 इज -9 एंड C2 इज 2। तो सबसे पहला काम हमारा होता है रेशियो चेक करना, A1 अपॉन A2 चेक करेंगे बेटा, 1/3 आ रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर तुमने B1 अपॉन B2 चेक किया, वो कितना आया -3/-9, दोनों का माइनस कट गया तो ये 3 से 9 भी कट गया, 1/3 आ गया, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब आगे वाला भी सोल्व करना होगा, C1/C2 देखते हैं वो कितना आ रहा है, 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में। इट मींस इन तीनों से हम ये निष्कर्ष निकाल पाए हैं, या वी कैन राइट देयर A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो मैंने इसको कैसे याद करवाया था, ये इसके इक्वल, ये इसको काटेगी नहीं, मतलब पैरेलल लाइन, तो दिस इज द पैरेलल लाइंस और दे हैव नो सॉल्यूशन। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो मतलब नहीं, नो का मतलब नाइन नहीं होता, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं। मुझे बताओ A1 कितना है तुम्हारा 2, B1 कितना है 1, C1 कितना है 5, ओके, A2 कितना है 4, ओके, B2 कितना है 2, ओके, C2 कितना है 10। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले A1/A2 चेक किया जो तुम्हारा है 2/4, फिर तुमने B1/B2 चेक किया वो 1/2 आया, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, C1/C2 5/10, आगे से ऐसे ही लिखेंगे। तो इसको सोल्व किया तो ये 1/2 आया, ये 1/2 पहले से है और ये भी कैंसिल होने पे 1/2 बन गया, मतलब तीनों रेशियो इक्वल। तो यू कैन राइट हियर A1/A2 सर आल्सो इक्वल टू B1/B2 आल्सो इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशियो इक्वल, मतलब पैरेलल लाइन जा रही है, नहीं एक दूसरे के ऊपर जा रही है, पैरेलल मत भेज देना, कभी पैरेलल भेज दो तो दिस इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। और तुम यहाँ पे लिख सकते हो, अगर तुम्हें समझना है कि दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस की इक्वेशंस है तो यहाँ पे लिख देना दिस हैव इनफाइनाइटली लिख दो कि मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एक ही बात है, मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आया तो बोलो यस सर, कमेंट और लाइक करे बगैर मत जाना। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, डायरेक्ट करता हूँ, पहला 3/6 बनेगा, दूसरा -5/-10 बचेगा और ये दोनों उधर है, ठीक है भाई साहब, 20/40 बनेगा। तुमने इसको कैंसिल किया ये 1/2 बन रहेगा, -5 से 10 कैंसिल 1/2, 0 से 0, 2 से 4 कैंसिल 1/2, फिर से इक्वल आ गया हाफ, ये भी हाफ के इक्वल आया, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि टाइम हमें ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आरडी शर्मा पढ़ रहे हैं, छोटी वोटी बुक थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, है ना। चलो लास्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/5 -2/-10, ओके, एंड 8/10, ये क्या इक्वल आ रहा है सब, है ना। तो इसको सोल्व किया, ये तो 1/5 ही रहेगा, इसको सोल्व किया 1/5, ठीक है, ये सोल्व किया तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, दैट इज 4/5, इसका मतलब ये इक्वल है ये इक्वल नहीं है। तो जब लास्ट वाला इक्वल नहीं होता वो पैरेलल लाइन का होता है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन, सही आ रहा है, पीछे भी नो सॉल्यूशन लिखा हुआ है, समझा देता हूँ, क्योंकि कल को बुक में कुछ और हो तुम मेरे को कह दो सर आपने कुछ और पढ़ा दिया, इसलिए हम क्रॉस चेक करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से 4 क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट कुछ अलग है, क्या कह रहे हैं, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, कि ये इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखे। तो यूनिक सॉल्यूशन रखने का मतलब क्या होता है, पहले रेशियो पता होना चाहिए। तो तुम कहोगे सर यूनिक सॉल्यूशन में तो ये दो ही बातें होती है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये होती है, C1/C2 के पास तो हम जाते भी नहीं है कि वो कैसा होता है। तो हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है वो किस में आएंगी,
रेशियो में या फोरी बोल सकते हो इन इक्वल में, मतलब के की वैल्यू नोट होगी क्या नहीं होगी वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तुम इसमें लिखोगे के अपॉन थ्री नॉट इक्वल होना चाहिए टू अपॉन वन के। तो इसको ही सोल्व कर लेते हैं, वैसे आगे वाला तो हमें लिखना भी नहीं होता है। तो इसमें सोल्व करोगे तो के की वैल्यू नॉट इक्वल थ्री टू जा सिक्स, कि के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए सिक्स नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, यस पहला फिफ्थ का आंसर यही आ रहा है। क्या चेक किया मैंने बेटा, ए वन अपॉन ए टू निकाला हुआ है के अपॉन थ्री, ध्यान से समझ लो भाई कोई ऐसे आज इसको नहीं आया। बी वन अपॉन बी टू निकाला टू अपॉन वन, और हमें पता है नो सॉल्यूशन की सिचुएशन होती है ये वाली, मतलब ए वन अपॉन ए टू नहीं इक्वल होता है बी वन अपॉन बी टू के। हमने इसमें वैल्यू पुट की और के की वैल्यू पता कर ली, ये नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। क्या देगा नो सॉल्यूशन की, यूनिक सॉल्यूशन के अंदर, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम कहोगे फोर अपॉन टू एंड के अपॉन टू नॉट इक्वल होना चाहिए, तो ये कैंसिल कर दो टू से, तो यहां से टू इधर भेज दो, तो के इज नॉट इक्वल टू 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 जो फोर, तो के की वैल्यू फोर नहीं होनी चाहिए। अगर ही फोर आ गई तो ये यूनिक सॉल्यूशन की सिचुएशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, अब इधर गए तो फोर अपॉन टू ये तो सर बाहर चला गया, कहां चला गया बाहर, बाहर मतलब ए वन ए टू बी वन बी टू। अब जब तक यही सोल्व नहीं होगा तो k की वैल्यू चाहे कुछ, k की वैल्यू से यहाँ पे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, मतलब k की वैल्यू तुम कुछ रखोगे तो इन y का और x का कोएफिशिएंट थोड़ा ना चेंज कर दोगे, तो इसका मतलब सर k की वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू है नहीं अभी तक इस इक्वेशन के लिए कि हम डायरेक्टली इनमें चेंज कर सकें। अब ये मत कहना सर वन अपॉन टू से कर दो, टू इधर ले आओ, इसको वन अपॉन उससे कर दो, वो अलग बात, इसको थोड़ी ना कर दोगे, इसको ही करना होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन हमें गिवन होगा के की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हो, तो रख सकते हो तो इसका मतलब दूसरा देखना बात समझो, पहले तो इसकी तू नो चेंज कर सकता है और ये पहले से इक्वल नहीं है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये इक्वल ही नहीं है तो ये इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इस सिचुएशन को फॉलो कर रहे हैं मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन तो पहले से है, इसका मतलब के की जगह कुछ ही रख दो, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। अब कोई चेंज नहीं आने वाला का मतलब क्या, इसका मतलब ये कि के की वैल्यू कुछ भी रखो, और के की वैल्यू का मतलब कुछ भी रखने का मतलब रियल नंबर में से रखेंगे तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बात समझ में आई ना। चेंज करेंगे तो ये पहले तो नो सॉल्यूशन में पहले से ही है। नेक्स्ट देखो वन अपॉन फाइव इज टू अपॉन के नॉट इक्वल होना चाहिए, तो के को इधर भेज दो क्रॉस मल्टीप्लाई में वन के पास, और फाइव को टू के पास, तो टू फाइव जा टेन, तो के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा टेन, के की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए टेन नहीं हो, बाकी कुछ भी रखो, ये यूनिक सॉल्यूशन में रहेगा। किस में रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि अनइक्वल चाहिए तुम्हें, अनइक्वल, ध्यान से समझो एकदम, है ना, दिमाग खोल के बैठ के देखो कि सर क्या होता है ना, ये वाला कौन यूनिक सॉल्यूशन, उसमें इक्वल नहीं आना चाहिए। कोई ये बड़ी बात नहीं कि कोई तुम्हें रहस्य बताए, इसका कोई रहस्य नहीं है, समझोगे जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप दिमाग खुलने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। अभी जो हमने एट क्वेश्चन किया था उसमें एक बात बतानी थी तुम्हें कि अगर ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई, मतलब एक में सी वन बाहर है एक में सी टू अंदर है, तो हमें अभी तक सी वन सी टू से मतलब नहीं था, क्यों नहीं था, उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने उसको इधर नहीं लाया, अदरवाइज हमें इसको चेंज करना होता, ठीक है, ये बात दिमाग में फिट रखना कि दोनों को एक साइड रखना है, बट उस सिचुएशन में हमें चाहिए ही नहीं था तो हम क्यों दिमाग लगाए थे, इसलिए नहीं बताया था। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए क्या करें, इसमें बेटा यहाँ पे देखो इसके आगे कुछ बातें लिखी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9 to 19, इसका मतलब है 9 से लेके 19 तक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस, मतलब सेम क्वेश्चन अप्लाई करना है तुम्हें। चलो पहले भी लिखा हुआ था ऐसे, ओके फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे लाल। देख क्या होता है कि ए वन अपॉन ए टू है ना वो इक्वल होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू के, वो इक्वल होना चाहिए सी वन अपॉन सी टू के, ये सिचुएशन होती है, तो हमें इस सिचुएशन की हेल्प लेनी है। तो मैं तुम्हें ये तो नहीं बताऊं यहाँ पे, तुम्हें जरूरत नहीं होगी कि ए वन कौन है, तो ये भाई साहब सिक्स है क्या, हाँ सिक्स ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं टू अपॉन सिक्स इज इक्वल थ्री अपॉन के इज इक्वल माइनस फिफ्टीन अपॉन माइनस फिफ्टीन, बात सही है कि नहीं मेरे को बताओ, इक्वल होना चाहिए प्रॉपरली, तो तुम एग्जाम्पल से सीख जाओगे। तो माइनस से माइनस कट गया, इधर कुछ कट रहा है थ्री आ रहा है वन अपॉन थ्री, इधर फिफ्टीन फिफ्टीन वन वन आ गए। अब हमें के की वैल्यू चाहिए तो एक से ले लें, एक से लेने का मतलब समझाता हूँ, एग्जाम्पल नहीं देख के तो तुम्हें लगेगा क्या एक से ले ले, तो के इधर भेज दो थ्री इंटू थ्री कर दो दैट इज नाइन, के की वैल्यू क्या हो गई नाइन। अब किसी ने सोचा नहीं इससे लूंगा, किससे लूंगा इससे, तो उसने क्या किया
इसने सोचा 3 अपॉन के इज 1 अपॉन 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन, सॉरी रेसिप्रोकल करो k अपॉन 3 इज 1 अपॉन 1, तो k की वैल्यू आ गई 3। इसे k की वैल्यू 3 लो कि 9 लो, बात समझना अच्छे से। तो इसके सॉल्यूशन जो है उसके अंदर देखो कुछ बातें नहीं आ रही है, है ना, नहीं में गलती कर दी अपन ने, पता तुम्हें यहाँ पे 5 है, इसको लिखो तुम 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन माइनस 15 दैट इज 1 अपॉन 3। तभी मैं सोचो वैल्यू अलग कैसे आई, 1 अपॉन 3 दैट इज 3 अपॉन 1 तो दैट इज 9। अब कहने का मतलब है जब तुम्हें ऐसी सिचुएशन आए कि एक ही के हो, मतलब एक ही अननोन हो एक में और दोनों में नॉन वैल्यूज हो, मतलब कुछ नंबर्स हो, तो तुम्हें एक पेयर से वैल्यू निकालोगे वही दूसरे से आएगी, तो तुम एक से ही कर लेना, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों से करो गलत तो नहीं है। तो तुम यहां से लिखोगे कि k इक्वल 9 होगा, तब इस सिचुएशन का, इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। समझ में आई बात, बस यही समझानी थी, बाकी तो सब मोह माया है। देखो यहां पे 4 अपॉन k इक्वल होना चाहिए 5 अपॉन 15 के, इक्वल होना चाहिए 3 अपॉन 9, देखो दोनों उधर है 3 और 9, इसलिए इधर लिख दिया। ये आ गया बेटा 1 अपॉन 3 और ये भी आ गया 9 9 जा 1 अपॉन 3, तो मेरे को यहां पे 12 आता दिख रहा है। देखो कैसे 4 अपॉन k इक्वल होगा 1 अपॉन 3 के, यहां से बेटा 1 सिचुएशन बनती है, यहां से 2 बनती है और एक यहां से 3, तुम्हारी मर्जी तुम कौन से को यूज में ले रहे हो। अब तुमने यहां से k की वैल्यू निकाली, क्रॉस मल्टीप्लाई k1 जा k4 3 जा 12 तो हो गया 12, k की वैल्यू क्या आ गई 12। किसी के दिमाग में कुछ फंत्रू आ रहा हो तो वो इन दोनों को लेके कर लो, देख लो 4 3 जा 12 तो 1 अपॉन 12 बनेगा, k का रेसिप्रोकल उसका भी रेसिप्रोकल 12 आएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 12 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। टाइम नहीं लग रहा ना, फटाफट समझा रहा हूं। वाओ, अब देखो इसमें c1 c2 इधर है, कोई तकलीफ नहीं है। k अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 6 अपॉन 9, तो ये इक्वल होने चाहिए, माइनस से माइनस कट गया, ये कट रहा है 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये k अपॉन 4 हो गया बेटा, ये 2 अपॉन 3, ये भी क्या है 2 अपॉन 3, तुम्हें क्या चाहिए एक वैल्यू चाहिए इसको ले लो, वैसे तो आगे वाला तो इक्वल ही है, तो तुम यहां से k इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 4, सही है क्या, मल्टीप्लाई होगा उधर जाके, दैट इज 4 टू जा 8 अपॉन 3, और कोई बच्चा इसको लिखना चाहे 3 टू जा 6 2 होल 3 2 अपॉन 3, ये k की वैल्यू होगी या ये भी हो सकती है। तो मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर भाई साहब 11 वाले हो तुम, 11 में 8 अपॉन 3 दी हुई है, ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि k की वैल्यू क्या रखो 8 अपॉन 3 रखो, तब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे दोनों के। ओके 12th वाला देखो यहाँ पे 8 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, इसको काट दो 2 टाइम, इसको काट दो 2 टाइम, इन दोनों को ले लो, तो रेसिप्रोकल कर देता हूँ 8 के, k अपॉन 8 हो गया तो उसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन 1 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 16, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा 16। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, चलो इसको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, क्या लिखूं 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल होना चाहिए माइनस 3 अपॉन माइनस 2 के प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर, इक्वल होना चाहिए 7 अपॉन 3 2 के माइनस 1। क्या बेटा तुम्हें k की वैल्यू चाहिए, हाँ, तो k की वैल्यू इससे आ सकती है या फिर इससे आ सकती है या फिर इससे, किसी से निकालो सेम आएगी, हमने एग्जांपल में कर लिया था, मैं दोबारा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, किसी बच्चे की इच्छा हो तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। देखो इसमें से 3 सिचुएशन बनती है, मैं फर्स्ट सिचुएशन लिखता हूँ 2 अपॉन k प्लस 2 इक्वल होगा 3 अपॉन 2 k प्लस 1, मैंने माइनस काट दिया। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी 3 अपॉन 2 k प्लस 1 इक्वल होगा 7 अपॉन 3 2 k प्लस 2 k माइनस 1। थर्ड सिचुएशन ध्यान से समझना भाई 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल होगा 7 3 2 k प्लस माइनस 1। अब हो क्या सकता है, या तो सर यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, कितनी एक वैल्यू, या अगर गलती से यहां पे k की दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, तो हमें यहां पे भी k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसमें एक आ गई तो इसका मतलब वो वैल्यू इसमें भी है, और ये जो दोनों वैल्यू कॉमन आई है वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे वो जो k की वैल्यू तो तीनों को सेटिस्फाई कर रही है वो इसका सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा समझा ही देता हूं, मेरे को लगता है ना तुम्हारा प्यार मोहब्बत जो मेरा देख के ना मेरा दिल पिघल जाता है, मुझे लगता है समझा ही दूं, तुम इतने शिद्दत से आए हो, तो
लाइक शेयर कमेंट में कमी तो छोड़ देना। पहली सिचुएशन को करता हूँ, तो 2 × 2k + 1 = 3 × k + 2 सॉल्व कर, 4k + 2 = 3k + 6। भाई साहब को इधर ले आओ, k वाले को, और इसको इधर भेज दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। मतलब क्या है, एक वैल्यू आई है, तो इसका मतलब सब में k की वैल्यू 4 सेटिस्फाई करेगी। ये कब करता दूसरे वाला काम, जब यहाँ पे 2 आ जाती प्लस माइनस में, तो k की वैल्यू 4। तुम चेक कर लो, इसको सोल्व कर लो, फिर आगे से मत करवाना मेरे से। दैट इज 9 × 2k - 1 = 7 × 2k + 1। 9 × 18k - 9 = 7 × 14k + 7। 14 को धड़े जाओ 18k - 14k, और 9 को धड़े जाओ 7 + 9, ये 16 होता है, और यहां से कितना आ गया 4k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 4। देखो आई ना, तुम तीसरे से भी कर ले लो भाई साहब, यही आने वाली, क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें, कुछ नहीं कह रहा, वही क्वेश्चन है। देखो 2 / k + 2, ठीक है, ओके। इधर क्या लिखोगे, जो इक्वल होता है 3 / 2k + 1, जो इक्वल होगा उधर है दोनों 2 / 2k - 1। अब हमें पता तीनों इक्वल होते हैं, क्योंकि ये मेन्यू सॉल्यूशन की सिचुएशन है, हम कोई भी दो ले लेते हैं, हमारे काम की चीज है, ये दो ले लिए, बाकी ये दो भी ले सकते हैं और ये दो भी ले सकते हैं, तीनों में। जब कब लेंगे ये दूसरा, कब लेंगे, जब इसमें दो वैल्यू आएंगी तब हम दूसरे की हेल्प लेंगे। भाई साहब तो बता दे कौन सी लेनी है, तो इसमें देखो, इसमें 2 × 2k + 1 होगा इज इक्वल टू 3 × k + 2 होगा, होगा कि नहीं होगा भाई बेटे। अब देखो तो बेटा 4k + 2 = 3k + 6, के वाले को इधर ले गया 4k - 3k = 6 - 2, के की वैल्यू आ गई 4। क्या मैंने उल्टा वही क्वेश्चन लिख लिया वापस, तो के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई बेटा, क्या की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4 आ गई है, ठीक है। 15 वाले में देखो, अब मुझे नहीं लिखना तो मैं दूसरा वाला बताना, तीसरे वाला तुम खुद ट्राई करके देखो, तो एक्स अपॉन नहीं लिखूंगा मैं, इसको 1 / लिखूंगा k + 1, ओके इज इक्वल टू k + 1/9 इज इक्वल टू 4 5k + 2। देखो बेटा, जब तुम इन दोनों को काम में लोगे k की वैल्यू 2 आएंगी, 1 और 2, जब तुम इन दोनों को काम में लोगो k की वैल्यू 2 आएंगी, ये और ये, बट जब तुम इसको और इसको काम में लोगे k की वैल्यू 1 आएगी। देखो मैं दिखाता हूँ, 1 / k + 1 को मैं किसके इक्वल ले रहा हूँ, 4 / 5k + 2 के, ध्यान से समझना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5k + 2 = 4k + 4, सही है क्या, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 5k - 4k = 4 - 2, 2 उधर क्या, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सॉल्यूशन तो आ गया, बट मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुम अगर इन दोनों को ले लेते तो तुम्हारा क्या होता, 1 / k + 1 = k + 1/9 आता, तो सर ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या होगा, k + 1 2 = 9k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 9 × 9 इनको, और k + 1 की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 9 आती, तो k + 1 की वैल्यू आती ±3। क्यों आती ±3, क्योंकि स्क्वायर रूट 9 मतलब 9 3 का स्क्वायर भी होता है -9 का। तो यहां से तुम्हारी पहली सिचुएशन क्या बनती है, ये मैंने एग्जांपल समझाया तुम्हें, वैल्यू +3 ले लो, या बी वैल्यू इसकी क्या ले लो, k + 1 = -3। अब हमने यहां से k की वैल्यू निकाली 3 - 1 = 2, या यहां से तुमने k की वैल्यू निकाली -3 - 1, तो k की वैल्यू -4। तुम कहोगे सर दो वैल्यू कैसे आ सकती है, इसका मतलब एक सेकंड केस लो, और सेकंड केस में तुम वैल्यू k की वैल्यू 2 पुट करो, या फिर k की वैल्यू -4, अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो वही है। तो हमने क्या किया, हमने सोचा सर क्यों इतनी माथापच्ची करें, हम एक पेयर ये वाला ले लेते हैं ना, इसमें देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, k स्क्वायर नहीं बनेगा, और k स्क्वायर नहीं बनेगा इसका मतलब k की वैल्यू आएगी, तो k की वैल्यू आ गई, तो k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। जिसको डीपली समझना हो क्या चल रहा है, तो बेटा एग्जांपल देखा कर, पूरे वीडियो देखा कर, तो समझ में आएगा, ठीक है। और जिसको समझ में आ गई बहुत बहुत अच्छी बात है उसके लिए। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, k / 2k + 1 = 3/9। क्या मजा है, देखो इस क्वेश्चन में तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सोच रहे हो क्या करूंगा सर, क्या, कुछ नहीं करना, इन दोनों को ले ले, k स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इन दोनों को ले ले, k स्क्वायर बनेगा ही नहीं, इन दोनों को मत लियो भाई, वरना k स्क्वायर बनेगा, समझ रहे बात को। तो तूने सोचा नहीं मैं इसको ले लूंगा सर, 2k + 2 ले लेता हूँ = 3/9, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 9k
इज इक्वल टू डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर 6k प्लस 6 9k इधर लिखा 9k माइनस 6k इज 6 तो बचा 3k तो कितना है बेटा तेरा 6k की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोल जल्दी बोल 2 अरे वाह दोनों में 2 आई है भाई हां 16 में भी k की वैल्यू 2 आई है बस समझ में आई तो बोले यस सर अब तू इसको ले ले तो भी k की वैल्यू 2 आएगी इसको लेगा तो 2 आएगी तेरे को एक सेटिस्फाई करनी है बट मैं तुझे क्या बताऊं मतलब 13 वाले में भी सेम बात समझा चुका हूं ध्यान रखना जब वैल्यू 1 पूछे तो 1 ही निकाल के दो उसको भाई साहब दो वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि एक ही वैल्यू हो सकती है 17 वाले में क्या बोल रहा है 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू k माइनस 2 क्यों लिख रहा हूं भाई मैं k माइनस 2 ये सारी इक्वल क्यों लिख रहा हूं याद रखो इस बात को क्योंकि सर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की सिचुएशन है उसमें डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो यहां पे देखो ये उधर है दोनों कांस्टेंट इधर x y की टर्म्स हैं बस तो बाकी सारे कांस्टेंट होते हैं कौन सा लोगे ये ले लो इसको मत लो भाई क्यों नहीं लोगे दोनों को क्योंकि स्क्वायर बनेगा सर इसको ले सकते हैं तो भी सेम आंसर आएगा चलो मैं इसको लिखता हूं 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू k माइनस 2 अपॉन 2k माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 2k माइनस 1 6 मल्टीप्लाई k माइनस 2 अंदर कर 4k माइनस 2 6k माइनस 12 इसको इधर ले जा और उसको इधर ले आ तो यहां से क्या होगा माइनस 2 पहले से या प्लस 12 आ जाएगा उधर 6k पहले से माइनस 4k हो जाएगा तो यहां से तेरी वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू 2k तो k की वैल्यू क्या आ गई 5 उधर वो k की वैल्यू तो चाहिए तो k की वैल्यू तेरी आ रही है 5 ओहो 17 में k की वैल्यू 5 सही आ रही ठीक है भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है चलो 18 का देखते हैं 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4k प्लस 1 अब क्या करोगे कोई से को भी लो इसको ले लो तो 2 into 2k minus 1 is equal to 3 into k plus 1 इसमें से तो इनको ले लोगे तो भी वैल्यू वही आएगी इनको लोगे तो भी वैल्यू वही आएगी दैट इज 4k minus 2 is 3k plus 3 लीजेंड बन जाओ तुम ऐसे मतलब है ना टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हारे को मैथ अगर तुम इतने इजीली और इतने कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हारा दोस्त जिसको समझ में नहीं आ रहा उसको शेयर कर करे भाई पढ़ इधर से पढ़ तुम नहीं आए तो मतलब छोटे ना चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना तो यहां से देखो बेटा 4k माइनस 3k एक बार भला करके तो देखो किसी का 3 प्लस 2 तो वापस से 5k हो गया नहीं 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 k ही हो गया k इज 5 क्या मतलब मतलब यही है कि 18 का भी आंसर 5 आ रहा है सही आ रहा है ओके एक बार इसको करके दिखाऊंगा चल ले तेरी इच्छा है तो ऐसे नाराज मत हो मेरे से जो भी बच्चा नाराज हो गया ना उसको भाई सॉरी कहीं मेरी बातें तुम्हें दिल पे ना लग जाएं मल्टीप्लाई कर 4 3 जा 12k प्लस 3 इस 14k माइनस 7 अब इसको इधर ले जाओ उसको इधर ले आ समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं मैं तो यहां से देख 14k उधर गया उधर ही है इसमें से माइनस 12k कर दे और इधर प्लस 3 पहले से प्लस 7 भी हो गया तो यहां से कितना आया तेरा 2k इधर हो गया 10 k की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन 2 तो हो गई 5 बात समझ में तो बोलो यस सर नेक्स्ट 19 2 अपॉन k माइनस 1 हाजिर हो 3 अपॉन k प्लस 2 इक्वल बेटा k अपॉन 3k तेरे को लग रहा है k से k काट दो तो सुख पाऊं मैं अच्छा लगे मेरे को फीलिंग अच्छी आ गई आगे अब तू सोचेगा सर इन दोनों को लूंगा थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ रही इसको ले लूं या फिर इसको ले लूं तेरी इच्छा है पहले और दूसरे को ले ले 2k माइनस 1 ले ले वो 1 अपॉन 3k इक्वल 3 2 जा 6 इज k माइनस 1 तो k की वैल्यू आ गई 7 क्या आ गई 7 तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा मेरे 19 क्वेश्चन तक कोई डाउट रखेगा वीडियो देखने के बाद फिर भी छोटा मोटा है इधर उधर रहता है मुझे पता थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं वरना तो वो भी नहीं रहने देता तो एक बार काम कर स्पीड थोड़ी बढ़ा वीडियो की और दोबारा देख ले इसको ठीक है अगर तूने एग्जाम्पल नहीं देखे तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है ठीक है तेरे से कह रहा हूं जो वीडियो देख रहा है उससे ओके बेटा थैंक यू